आप देख सकते हैं किस कदर मिलने के लिए साथ में शासन मीडिया देख रहा है। अरे भैया भैया बस आराम से लगा, आराम से चलो रोल करो। अरे थोड़ा हट जाओ यार, पीछे हो जाओ। अरे भाई पीछे हटा लो, थोड़ा पीछे हट जाओ यार। अरे भाई आईडी धीरे धीरे। आज हरदोई जनपद में विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा हुई है। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं गरीब कल्याण की, उनके बारे में चर्चा हुई है। हरदोई जनपद पूरे प्रदेश में श्रेणी नंबर वन का जिला बने, इसके लिए हमारी सरकार संकल्प है। कानून व्यवस्था की समीक्षा हुई है। हर स्थिति में हम हरदोई को नंबर एक पर लाने के लिए कृतसंकल्प है। हमारा मानना है कि हरदोई जनपद में जो उर्वरा शक्ति है, युवाओं में ऊर्जा है, उसको हम हरदोई जनपद के विकास में लगाएंगे और एक एक व्यक्ति हरदोई का विकास के पथ पर अग्रसर हो, उसको महसूस हो, उसके जीवन स्तर में बदलाव आए, इसके लिए हमारी सरकार के संकल्प पर उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। यादव का एक ट्वीट आया है, धवन आईडी ऊंची करो। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है, कई चुनाव में हार चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड लोगों का समूह है, गुंडे माफिया मवाली असामाजिक तत्वों का जमावड़ा है, उनको प्रेशर देना। परसों आपने देखा जो दुर्दांत अपराधी को आजमगढ़ जेल में जाकर के मिले, हमने कल ही कहा था कि अपराधियों को कुशल प्रदर्शित करना समाजवादी पार्टी का मूल कार्य है। वो अपने डीएनए में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, अपने मूल चरित्र में परिवर्तन नहीं ला रहे हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, हम पूरे प्रदेश में 80-80 सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। अब की बात उनको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता गुंडे माफिया मवाली लोगों को कभी शिकायत ना हो। अच्छा ये बताइए, आपका हरदोई, आपका हरदोई जिला है, यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी, पूरी व्यवस्था कर दिया भैया। फोटो खींचो भैया।